Hello, students. In this video, we will discuss lens formula, magnification, and power of a lens, and in last, some NCRT text problems based on these formulae. It is part 8 of chapter 10 light reflection. and refraction of class class ten. This video is also the last video of this chapter light reflection and refraction of class ten physics science. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में थीन लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला रिलेट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस लेंस सूत्र ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी एंड फोकल लेंथ फोकस दूरी के बीच संबंध को रिलेशन को दर्शाता है एक्सप्रेस करता है तो लेंस फार्मूला इज गिवेन बाई वन बाई भी वन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई एफ वेयर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है वस्तु तो की दूरी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भी क्या है इमेज डिस्टेंस है एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस तो जिस ढंग से किसी एस्पेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला होता है यूज किया जाता है वन बाई भी प्लस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ उसी ढंग से किसी लेंस के लिए भी लेंस सूत्र लेंस फार्मूला यूज किया जाता है वन बाई भी माइनस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ वेयर यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इज इमेज डिस्टेंस इमेज विच इज फॉर्म बाई ए फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस इमेज प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है किसके द्वारा लेंस के द्वारा लेंस से रिफ्लेक्शन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है तो भी इज इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर करेंगे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस किसी लेंस के मिड पॉइंट से सेंटर से जिसे ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र कहा जाता है वहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ तथा रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर किया जाता है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी लेंस की लेंस के वक्र वक्ता लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्र सतहों की कर्व सरफेसेस की वक्ता त्रिया तथा लेंस की फोकस दूरी सभी मेजर किए जाते हैं सभी की माप की जाती है लेंस के मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से जिसे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है और इसमें भी लेंस के लिए भी न्यू साइन न्यू साइन कन्वेंसन नई चिन्ह परिपाटी का यूज वैसे ही किया जाता है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेरिकल मिरर के केस में भी इमेज डिस्टेंस एंड एफ एफ इज द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ लेंस के कर्व सर्फेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर या लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस दूरी लेंस के की वक्ता त्रिया रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है एफ इज फोकल लेंथ फोकस दूरी हिंदी में इसे कहा जाता है फोकस दूरी फोकल uh, फोकस दूरी दैट इज एफ इजकल टू फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस और ये लेंस की वक्ता त्रिया की आधी होती है f फिजिकल टू आर बाई टू हाँ हम लोगों ने इस फॉर्मूला को एस्पेरिकल मिरर के केस में भी देखा था कि स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर किसी स्पेरिकल मिरर की फोकस दूरी फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है ए फिजिकल टू तो लेंस के केस में भी ए फिजिकल टू आर बाई टू फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अपॉन टू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस भी तथा एंड फोकल लेंथ के बीच रिलेशन रिलेट करने वाले रिलेशन को संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को हम लेंस फार्मूला इक्वेशन को लेंस फार्मूला कहते हैं तो दिस इज द लेंस फार्मूला नाउ मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस सिमिलर टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई स्पेरिकल mirror, लेंस also प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन सिमिलर टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by ए स्पेरिकल mirror, लेंस also प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन जिस ढंग से कोई स्पेरिकल मिरर मैग्निफिकेशन आवर्धन उत्पन्न करता है उसी ढंग से गोलिये उसी ढंग उसी ढंग से कोई लेंस भी आवर्धन उत्पन्न करता है आवर्धन का मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब कितना टाइम से उसका इमेज चेंज हुआ इंक्रीज हुआ कितने टाइम से कितना टाइम से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज इंक्रीज कर गया उसको हम क्या कहते हैं या चेंज किया साइज इमेज का कितना टाइम से चेंज किया ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन हाइट ऑफ द इमेज तथा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो के इक्वल होता है और इसे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस इट्स सिंबल इज अ स्मॉल एम इसका सिंबल स्मॉल एम होता है तो स्मॉल एम इजकअल टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसड बाई ए लेंस स्मॉल एम इजकअल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एच मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो राइट डाउन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए लेंस इज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज और एक्सप्रेस्ड एज इसे परिभाषित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है इट इज डिफाइंड और एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इट इज एक्सप्रेस्ड एच एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट और हाइट ऑफ द इमेज इमेज हाइट और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट को अगर सपोज किया जाए एच डैस टू एन ऑब्जेक्ट हाइट को सपोज किया जाए एच से तो एम इजक्ल टू मैग्नीफिकेशन जिसका सिम्बल स्मॉल एम होता है इज्कल टू एच डैश बाई एच इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार बिंब वस्तु को बिंब भी कहा जाता है इट इज एक्सप्रेसड एज द रेशियो ऑफ हाइट इमेज हाइट एच डैश टू द ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्ट हाइट हाइट इसे सपोज किया जाता है ऑब्जेक्ट हाइट को एच से Magnification produced by a by a lens a small m symbol of magnification is a small m so magnification a small m equals to height of the image by height of the object magnification a small m height of the image or image height to हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डेट इज एच डैस बाई एच दिस इज इक्वेशन वन फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज इच सपोज h, एच डैस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच तो इसलिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन स्मॉल एम इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊँचाई अपॉन वस्तु की ऊँचाई प्रतिम की ऊंचाई को सपोज किया गया है माना गया है एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को एच एच डैश अपॉन एच अब मैग्निफिकेशन का एक दूसरा दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए लेंस इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो राइट डाउन अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज अस्मॉल एम विच इज द सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन आवर्धन का मैग्निफिकेशन जिसे हिंदी में आवर्धन कहा जाता है का संकेत स्मॉल एम है तो इसलिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला स्मॉल एम मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल एम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट ये इमेज डिस्टेंस रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स हिंदी में इसे वस्तु की दूरी और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर मिड पॉइंट से जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है प्रकाश के अंदर इमेज डिस्टेंस सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ लेंस इज ऑल्लो एक्सप्रेसड एज दर इज यू ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डैट इज भी अपॉन यू दिस इज फॉर्मूला नंबर टू फॉर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन का दूसरा सूत्र हो गया तो इन दोनों इक्वेशन दोनों फॉर्मुला को मैग्नीफिकेशन एम इज कल टू एच डेस बाई एच और यहाँ वी बाई यू को हम एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल फार्मूला के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज एम इज कल टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए लेंस एम इज कल टू देर फॉर राइट डाउन देयर फॉर दो बोथ इक्वेशंस वन एंड टू फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज स्मॉल एम इट्स सिम्बॉल इज स्मॉल एम एच डैश बाय एच इज कल टू भी अपॉन यू दोनों इक्वेशन वन तथा टू को कम्बाइन करके ये इक्वेशन नंबर थ्री अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा अगर लेंस से रिफ्लैक्शन के बाद या लेंस रिफ्क्शन के कारण ऑब्जेक्ट का इमेज अगर रियल तथा इन्वर्टेड अगर उल्टा हो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो रियल इमेज होगा जो कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फॉर्म होता है तो मैग्निफिकेशन उस सिचुएशन में निगेटिव होगा लेकिन जब इमेज लेंस रिफेक्शन के कारण इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से अपवॉर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव आई एक्सिस के लॉन्ग फॉर्म हो मतलब इमेज वर्चुअल हो तथा इरेक्ट हो जो इमेज इरेक्ट होता है वह वर्चुअल होता है आभासी इमेज होता है वर्चुअल इमेज तो कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस करता है वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज तो इसलिए कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तथा कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग रियल तथा इन्वर्टेड तो जो इन्वर्टेड इमेज होगा वह जो जो इन्वर्टेड लेंस के द्वारा जब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा तो उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा लेकिन जब लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में इरेक्ट सीधा होगा वस्तु के अपेक्षा सीधा इमेज बनेगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में तो उस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव कहा जाएगा तो कॉन्वैक्स लेंस प्रोड्यूस करेगा क्योंकि कॉन्वैक्स लेंस के से रिफ्लेक्शन के कारण इमेज इन्वर्टेड uh, होता है रियल होता है तो कॉन्वैक्स uh, तो लेंस का कॉन्वैक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन निगेटिव तथा कॉन्केव लेंस का अवतल लेंस का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा और कॉन्केव कन्वैक्स लेंस का उत्तल लेंस का मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा लेकिन उत्तल लेंस का मैग्नीफिकेशन एक केस में पॉजिटिव हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को कॉन्वैक्स लेंस के फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो मैग्नीफाइड uh, इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का लेंस के ही साइड में तो एक सिचुएशन में लेंस से प्रोड्यूस जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव हो, हो सकता है इसी सिचुएशन में जब किसी ऑब्जेक्ट को लेंस uh, के कॉन्वैक्स लेंस के उत्तर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र तथा फोकस बिंदु फोकस के बीच रखा जाए अब तो मैग्निफिकेशन का थ्री पॉसिबिलिटी थ्री सिचुएशंस हो सकता है सो so, मैग्निफिकेशन के बारे में आप नोट कर लें uh, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ एन इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज रियल इमेज इज टेक निगेटिव इज टेक प्रॉब्लम में यूज होगा इसका इज टेकन एच निगेटिव डेट ऑफ इरेक्टुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज वेर डेट ऑफ फॉर डेट ऑफ इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज भर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज टेकंडज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन अ स्मॉल एम प्रोड्यूस्ड बाय अस इज टेकेंड एज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव अब इन लार्ज इमेज के लिए जब लेंस द्वारा फॉर्म होने वाला इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा हो तो उस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन स्मॉल एम का वैल्यू एक से बड़ा होता है दैट इज एम इच स्मॉल एम इज ग्रेटर देन वन फॉर इन लार्ज डिमेज फॉर इन लार्ज फॉर इन लास्ट फॉर इन लार्ज डिमेज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन और इन लार्ज डिमेज कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को एफ तथा टू एफ़ के बीच में रखा जाए तो लेंस के दूसरे साइड में टू एफ के बियड टू एफ से दूर ऑब्जेक्ट का इन लार्ज इमेज रियल तथा इन्वर्टेड वास्तविक तथा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा ऑप्टेन होता है अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पर रखा जाए तो इमेज इन्फिनीटी पर बनता है और वह इमेज भी हाईली इन होता है अब एम का वैल्यू वन से स्मॉलर हो सकता है दैट इज एम इज ए स्मॉल एम मैग्निफिकेशन सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन इज स्मॉल एम एम इज स्मॉलर देन वन इफ फॉर ए एडिमनिस्ट इमेज फॉर और ये हो गया इन लार्ज इमेज के लिए फॉर एन इन लार्ज इमेज फॉर ए एडिमनिस्ट इमेज अगर इमेज का साइज इमेज जो का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो और वह इमेज किसी लेंस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा हो तो अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू एक से स्मॉलर होगा एक से छोटा होगा इज एम स्मॉल स्मॉलर देन वन फॉर ए डिमनिस्ट इमेज फॉर्म बाई ए लेंस इमेज बाई ए लेंस और मैग्निफिकेशन का वैल्यू वन से स्मॉलर हो सकता है कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस के द्वारा कॉन्केव लेंस के दौरा भी द्वारा भी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बहुत ही पॉइंट साइज इमेज होगा लगभग निगलिजिबल वहाँ तो मैग्नीफिकेशन बिल्कुल नियरली ज़ीरो तो क्योंकि इमेज का जो साइज होगा एकदम पॉइंट साइज होगा निगलिजिबुल होगा तो मैग्नीफिकेशन बहुत ही कम नियरली ज़ीरो उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को आ, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखेंगे तो वहाँ पर भी एफ लेंस के दूसरे साइड में कॉन्वे लेंस के दूसरे साइड में एफ़ तथा टू एफ के बीच में डिमिस्ट इमेज फॉर्म होता है रियल तथा इन्वर्टेड और बाकी सिचुएशंस में कॉन्वेक्स द्वारा प्रोड्यूस होने वाला इमेज इनलार्ज होगा एफ एफ एंड टू एफ के बीच में भी ऑब्जेक्ट रखने पर फोकस पर भी रखने पर ऑब्जेक्ट इमेज इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा जो कि हाईली इनलार्ज होगा तो इस प्रकार यूजुअली कंकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वैक्स लेंस में भी दो सिचुएशन में लेकिन कॉन्केव लेंस के द्वारा ऑलवेज जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होता है सो दिस पॉसिबिलिटी दैट इज एम इज स्मॉलर देन वन फॉर ए डिम्निस्ट इमेज फॉर्म बाई ए लेंस जो कि यूजली कॉन्केव लेंस के केस में और कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी दो सिचुएसन में हमने बतलाया जब ऑब्जेक्ट को टू एफ्स तथा इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो उस सिचुएसन में भी ऑब्जेक्ट का डिमनिस्ट इमेज फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर तो उसका इमेज uh, का साइज़ तो एकदम पॉइंट साइज़ होगा एकदम तो काफ़ी कम मैग्निफिकेशन निगलिजिबुल ज़ीरो उस सिचुएशन में क्योंकि इमेज का हाइट लगभग निगलिजिबुल है पॉइंट साइज है और फाइनली एम इजक्वल टू स्मॉल एम बी हो वन इजक्वल टू एम बी ओ एम अ टू स्मॉल इमेज कल टू वन भी हो सकता है अगर आ, ए, ये कब होगा जब इमेज इमेज हाइट इक्वल्स टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट जब प्रतिबिंब का आकार इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ के हाइट के एकदम बराबर हो इक्वल हो तो उस सिचुएशन में मैग्नीफिकेशन कहा जाएगा कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या है वन है ऑब्जेक्ट दैट इज इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट और कॉन्वेक्ट्स लेंस के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट को टू एफ पर रखा जाए लेंस के लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्ट्स लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को टू एफ डिस्टेंस पर रखा जाए फोकस ड फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट के डिस्टेंस का दोगुना डिस्टेंस ट्वाइस डिस्टेंस पर टू एफ पर रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का लेंस uh, के दूसरे साइड में रियल uh, तथा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है जो कि uh, जो कि जिसका साइज सेम एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज़ ऑफ द इमेज इज इजकल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट को टू एफ पर रखा जाता है तो कॉन्वेक्ट लेंस के uh, द्वारा एक सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट को टू एफ पर रखा जाएगा एक साइड में कॉन्वेक्ट लेंस के एक साइड में सपोज करते हैं लेफ्ट साइड में तो उसका इमेज टू एफ पर ही फॉर्म होगा राइट right साइड में और अगर राइट साइड में टू एफ रखा जाएगा तो लेफ्ट साइड में टू एफ पर ही रियल तथा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा एंड हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो उस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वन नाउ पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ ए लेंस लेंस की शक्ति एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए लेंस किसी लेंस द्वारा लाइट रेज को कन्वर्ज करने संसित कराने तथा डाइवर्ज अपसित कराने या अपसित करने की जो योग्यता होती है एबिलिटी होती है उसे उस लेंस की शक्ति पावर कहा जाता है सो राइट डाउन एबिलिटी ऑफ ए लेंस तो कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए लेंस अब यदि एक स्मॉल अब यदि स्मॉल फोकल लेंथ फोकल लेंथ का फोकस दूरी का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाए तो वह लाइट रेज को ज़्यादा बेंड कर उन लाइट रेज को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक फोकस करेगा तो कन्वर्जिंग एबिलिटी किसी कॉन्वेक्स लेंस की अधिक होगी तब यदि लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल हो तो उसका पावर अधिक होगा सो कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ इज मोर टू फोकस लाइट रेज आफ्टर बेंडिंग नियर द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑन द अदर हैंड द एबिलिटी दैट इज डाइवर्जिंग एबिलिटी और एबिलिटी टू डाइवर्ज लाइट रेज ऑफ ए कंकेवलेंस of a small focal length is more than that of a convex lens of large focal length usi prakar kisi a small focal length ke autal lens concave lens द्वारा light rays को diverge या आपसित करने की ability मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बेंड करने की प्रिंसिपल एक्सिस के अवे बेंड करने की एबिलिटी वो अधिक होगी उस कन्केव लेंस से जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकला कि यदि कॉन्वेक्स लेंस या कन्केव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का होगा जितना कम स्मॉल फोकल लेंथ का होगा तो उस कॉन्वैक्स uh, लेंस या कंके लेंस की एबिलिटी अधिक होगी लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कराने की नाउ पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ सो राइट डाउन पावर

उसकी फोकस दूरी फोकल लेंथ के व्युत्क्रम के बराबर होती है उल्टा फोकल लेंथ का उल्टा दैट इज फोकल लेंथ स्मॉल एफ है तो वन बाई एफ तो वन बाई एफ क्या हो जाएगा दैट इज वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इट्स पावर द सिंबल ऑफ पावर इज कैपिटल पी देयरफॉर फॉर पावर ऑफ ए लेंस पी इक्वल्स टू From this definition, p is equal to one upon focal length. That is, one upon focal length of the lens. One upon focal length. That is, one upon focal length. Ka symbol small f. Symbol of focal length. Uh, symbol of focal length is small f. So p is equal to one by f. This is the from definition. We get p is equal to one by f. This is the formula of power. Now SI unit of power of a lens is diopter, write down SI unit of power of a lens is diopter if focal length is expressed in meter because SI unit of डिस्टेंस इज मीटर तो फोकल लेंथ अगर लेंस का फोकल लेंथ मीटर के रूप में एक्सप्रेस हो मीटर में एक्सप्रेस्ड हो मीटर में व्यक्त हो तो उस लेंस की शक्ति उस लेंस का पावर डायोप्टर होगा एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोक्टर इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल डी एंड वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ फोकल लेंथ वन मीटर दैट इज वन बाई वन एम फॉर्मूला ऑफ पावर इज पी बाई वन एफ पी बाई पी इज कल टू वन बाई एफ देर फॉर इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज वन मीटर देन एक्स पावर इज वन डायोप्टर सो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर तो वन डायोप्टर को इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस लेंथ इज वन मीटर दैट इज वन इक्वल टू वन बै वन एम दैट इज वन एम इन वन मीटर इनवर्स दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर। नाउ पावर ऑफ ए पावर एंड फोकल लेंथ बोथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आर पॉजिटिव आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस आर टेकन एज नेगेटिव I write down the focal length a small F and power capital P of a concave convex lens are taken as positive. स फोकल लेंथ एंड पावर दोज, डेट ऑफ ए कनकेव लेंस आर टेकन एच निगेटिव Now, for the combination of two or more than two lenses, the equivalent focal length and total power can be calculated as for the combination of two or more. दैन टू मोर लेंसेस टू और मोर दैन टू लेंसेस द इक्यूबैलेंट फोकल लेंथ समतुल्य फोकस दूरी लेंस कम्बिनेशन का तथा टोटल पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाई एफ एफ इज द इक्यूबैलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कम्बिनेशन स्मॉल एफ लेंसों के संयोग की कुल cool फोकस दूरी है कुल cool फोकस दूरी है या संतुलित फोकस दूरी है वन बाई एफ इजकल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू अगर दो लेंस है तो वन बाई एफ रेसिपोकल ऑफ द टोटल फोकल लेंथ इक्वैलेंट फोकल लेंथ इजकल टू सम रेसिपोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस दैट इज वन बाय एफ इजकल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू दिस इज दिस इज द फॉर्मुला टू कैलकुलेट टोटल फोकल लेंथ और इक्व वैलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कंबिनेशन ऑफ टू थीन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट इफ मोर देन थ्री टू लेंसेज आर यूज इन कम्बिनेसन देन वी हैव वन बाई ए फिजिकल टू वन बाई एफ प्लस वन बाई एफ टू और मोर दैन टू लेंसेज के लिए वन बाई ए फिजिकल टू ये फॉर टू ये फॉर टू ये कंबिनेशन ऑफ दिस इज कंबिनेशन फॉर टू थ्रीन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट फॉर्मूला फॉर इकोवैलेंट फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड कैन बी अपेंड Uh, the value of uh, equivalent focal length can be obtained by using this formula 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 and for uh, more than two lenses this is for uh, combination of two lenses for, for the combination of two thin lenses for the combination of two thin lenses two thin lenses लेंसेस में भी बोथ लेंसेस में भी आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव वन कॉन्वेक्स और वन कॉन्वेक्स एंड अदर कन्केव लेंस कम्बिनेशन में दोनों लेंस या दोनों दो से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन हो कम्बिनेशन हो रहा है वे सभी लेंस कॉन्वेक्स हो सकते हैं या सभी कॉन्के हो सकते हैं दो लेंस का कम्बिनेशन है तो एक लेंस कॉन्वैक्स कॉन्वैक्स हो सकता है उत्तल हो सकता है दूसरा कॉन्केव अवतल हो सकता है तो फॉर टू लेंसेस टोटल फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड है वन बाई एफ इजकल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू एंड पावर और कम्बिनेशन ऑफ टू थ्री लेंसेस पावर इज टोटल पावर इज पी इजकल टू पी वन प्लस पी टू तो काफ़ी आसानी से हम अगर दो थ्री लेंसेस हैं एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉन्केव है सपोज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का पावर टेन टेन डायोक्टर है और कॉन्केव लेंस जो यूज हो रहा उसका है उसका पावर माइनस एट डाएक्टर है एट डाइप्टर है तो दोनों का टोटल जो पावर होगा चूँकि लेंस का फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव यूज किया जाता है तो चूँकि कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस में एक एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कंकेव लेंस है ये कॉनकेव लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस बीच में थोड़ा सा थीक होता है मोटा होता है लेकिन दोनों इंड पर पतला होता है और कंकेव लेंस उसका उल्टा दोनों इंड्स पर थीक होता है मोटा होता है और बीच में पतला होता है तो दिस इज़ द कंबिनेशन ऑफ टू थ्री लेंसेज एलेवन हैविंग फोकल लेंथ एफ वन एंड इफ एफ टू इज द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कंकेब लेंस दैन इफ पी वन इक्वल्स टू प्लस टेन डाओक्टर एंड पी टू पी टू कॉन्केब लेंस है तो इसका माइनस एट डाइक्टर तो टोटल पावर हो जाएगा कितना टोटल पावर पी इजकल टू पी वन दैट इज टेन डायोक्टर और प्लस पी वन प्लस पी टू होता है टोटल पावर फार्मूला पी एजकल टू पी वन प्लस पी टू P1 plus P2, that is डेट इज एंड टेन डावीटर माइनस प्लस प्लस है लेकिन भी यहाँ पर माइनस है इसका कॉन्केब के कौन है इसलिए फोकल लेंथ फोकल लेंथ एंड पावर दोनों नेगेटिव यूज किया जाता है तो माइनस दैट इज टोटल पावर ऑफ द लेंथ कॉम्बिनेशन इज टू डी और उसी ढंग से हम इस लेंथ कॉम्बिनेशन का टोटल फोकल लेंथ भी इकोवैलेंथ फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाई एफ इजकल टू वन बाई एफ वन वन बाई वन बाई एफ वन और एफ वन इजकल टू पावर uh, जिसका पावर प्लस प्लस पावर जिसका प्लस टेन डायोप्टर है तो उसका फोकल लेंथ है फोन इजकल टू एफ इज सिंस पी इजक्ल टू वन बाई एफ फोकल ऑफ फोकल लेंथन इजकल टू वन बाई पी वन डैट इज वन अपॉन टेन टेन मीटर हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा एफ़ टू इजक्ल टू वन बाई वन बाई पी टू इज वन अपॉन माइनस एट मीटर अब दोनों को इस फार्मूला में यूज कर देंगे वन बाई एफ इजकल टू एफ वन इजकल टू एफ वन इजकल टू वन बाई टेन प्लस वन बाई टेन यहाँ एफ के जगह वन बाई टेन प्लस एफ टू इजकल टू एफ़ टू टू माइनस वन बाई एट यहाँ यूज करके हम ऑप्टेन कर सकते हैं नहीं तो इस फार्मूला को हम दो लेंस के लिए दो लेंस कम्बिनेशन के लिए एफ f2 एफ टू एल सी एम ले लें तो डायरेक्ट एफ इजकल टू एफ वन मल्टीप्लाइड बाई एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू इससे हम डायरेक्टली एफ़ का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा एफ ओन इजकल टू वन बाई टेन एफ टू टू माइनस वन बाई एट एफ टू वन बाई टेन प्लस f2. एफ़ टू इज टू माइनस वन बाई एट वैल्यू पुट करके टोटल फोकल लेंथ और एक फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन हम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये दो लेंसेज के लिए हुआ टोटल फोकल लेंथ वन बाई एफ इजकल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ़ टू और एफ इजकल टू एफ ओन एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू एल सी एम लेने के बाद और पावर हो जाएगा सीधे ए वन बाई एफ के जगह पी हो गया टोटल पावर वन बाई एफ पी वन हो गया पावर ऑफ द पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड वन बाई एफ टू पावर ऑफ द सेकेंड लेंस और इस पर एक छोटे एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पर सॉल्व किया गया नाउ फॉर मोर देन कम्बिनेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू लेंसेस। वी हैव वी हैव वन बाई एफ फॉर द दो uh, दो तीन लेंसेज कम्बिनेशन के लिए तो हमने देख लिया एक टोटल पावर टोटल फोकल लेंथ एक टोटल पावर एंड एक और टोटल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कम्बिनेशन फॉर द कम्बिनेशन For the combination of more than three lenses, thin lenses, three more, two uh, or the combination of more than three uh, thin lenses, we have फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्यूवेलन टू वन बाई एफ इजिकल टू वन बाई एफ वन दैट इज टोटल फोकल लेंथ और इक्वेलन फोकल लेंस का रेसी इंडिविजुअल लेंस के और इच फोकल लेंथ के रिसिप्रोकल के इक्वल होगा वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ थ्री प्लस डॉट डॉट आगे भी सोन एंड पावर ऑफ द लेंस कम्बिनेशन टोटल पावर पी इजकल टू वन बाई एफ वन इजकल टू पी वन वन बाई एफ टू पी टू वन बाई एफ थ्री इजकल टू पी थ्री प्लस डॉट डॉट तो इस ढंग से हम मोर देन कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू लेंसेस के लिए uh, थ्री हो या थ्री से ज़्यादा हो मोर देन टू लेंसेज ये फार्मूला है टोटल पावर टोटल फोकल लेंथ इकोवा दैट इज इकोवैलेंथ फोकल लेंथ और टोटल पावर का और द कम्बिनेशन ऑफ फॉर द लेंस कंबिनेशन ऑफ मोर देन टू लेंसेज थ्री हो या थ्री से आगे भी हो तो वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू वन बाई एफ थ्री या थ्री इज द फोकल लेंथ ऑफ द थर्ड थर्ड लेंस एंड अगर उससे भी ज़्यादा हो फोर हो फाइव हो तो उसको हम प्लस ऐड करते जाएंगे उसी ढंग से और पी थ्री इज द पावर ऑफ थर्ड थर्ड लेंसल हैं थर्ड लेंस इज यूज इन द लेंस कंबीनेशन टोटल पावर इजकल टू पी वन प्लस अगर थ्री लेंस है तो टोटल पावर पी वन प्लस पी टू प्लस पी इज कल टू पी वन प्लस पी टू प्लस थ्री नाउ मैग्नीफिकेसन प्रोड्यूसड बाई द लेंस कंबीनेशन मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूसड बाई द लेंस कंबीनेशन और मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूसड बाई द टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई द

द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इज गिवेन बाई डैट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस बहुत से पतले पतले अगर लेंस कॉन्टैक्ट में हों तो इस कंबिनेशन का इस कम्बिनेशन द्वारा उत्पन्न जो मैग्निफिकेशन होगा आवर्धन होगा सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट इज बाय अ स्मॉल एम सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन इज स्मॉल एम मैग्निफिकेशन आवर्धन का संकेत स्मॉल एम होता है तो ये इक्वल होगा मैग्नीफन प्रोड्यूस्ड बाई द फर्स्ट लेंस एम वन मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफन प्रोड्यूस्ड बाई सेकेंड लेंस दैट इज एम टू फर्स्ट लेंस से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नीफन मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना टाइम से चेंज हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो फर्स्ट लेंस से प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन एम वन है सेकेंड लेंस से प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन एम टू है यदि दो तीन लेंस ही अगर कॉन्टेक्ट में हैं तो इस लेंस कम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन होगा स्मॉल एम इजकल टू एम वन एम ऑन इन टू एम टू एम ओन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई थीन लेंस फर्स्ट थिन लेंस एंड एम टू इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द अनदर अदर थीन लेंस दैट इज सेकेंड थीन लेंस अगर दो लेंसेज प्रेजेंट है दो लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तो उस कंबिनेशन का टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल टू तो ईच लेंस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट के इक्वल होगा अगर दो से ज़्यादा लेंसेज कॉन्टैक्ट में हैं तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई होता जाएगा मतलब थर्ड लेंस से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नीफिकेशन इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ये दो लेंस के लिए एम इज्वल टू एम वन इंटू एम टू और मोर देन टू लेंसेज के लिए एम इजक्वल टू एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू मल्टीप्लाइड बाई एम थ्री मल्टीप्लाइड बाई डॉट डॉट अगर दो से अधिक तीन चार पाँच लेंसेस अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो उस लेंस कॉम्बिनेशन का टोटल मैग्नीफिकेशन ईच लेंस द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा दैट इज ये एम इज कल टू एम वन मट्टीप्लाइड बाई एम टू एम ओन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई द फर्स्ट लेंस एम टू इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाई द सेकंड लेंस तो दोनों इस लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा टोटल मेग्निकेशन ये फॉर टू और कम्बिनेशन ऑफ और द कम्बिनेशन ऑफ टू थीसेस कम्बिनेशन ऑफ टू थीसेस थीन लेंसेस दो लेंस दो थिन लेंसेस अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनके लिए टोटल मैग्नीफिकेशन एम इजकल टू एम वन इंटू एम टू और दो से अगर ज़्यादा कॉन्टेक्ट में है तो उसके लिए ईच लेंस के कारण जो मैग्नीफिकेशन होगा ड्यू टू मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ईच लेंस इज मल्टीप्लाइड बाई वन अनदर वी गेट टोटल मैग्नीफिकेशन दैट इज एम इजकल टू एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री एम फोर एम फाइव अगर वो डिपेंड करता है लेंस के नंबर पर कितने लेंस कॉन्टेक्ट में है ये हो गया मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द कम्बिनेशन ऑफ फॉर द magnification produced by the combination of more than two lenses combination of more than two lenses a small m is equal to m1 multiplied by m2 multiplied by mt more than two lenses we we get hence we get the result that magnification uh, produced by the lens combination is equal to the magnification uh, is equal to the product of magnifications produced by individual lenses. Now, solutions to NCRT text problems of the chapter 10, light reflection and refraction. And the problems to be solved are 10, 11, 16, and 17. First of uh, first of all, question number 10 that is problem number 10 but before doing this problem we have to discuss question number 9 which is a convex lens half part of a convex lens is covered with a black paper will this lens produce complete image of an object किसी उत्तर लेंस का ये क्वेश्चन नंबर नाइन है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पहले एक उत्तर लेंस है जिसका हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है तो क्या यह लेंस किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा इसका आंसर होगा बिल्कुल करेगा कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा लेकिन इंटेंसिटी उसका लोअर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी लोअर तो कॉन्वेट लेंस के हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देने पर ढक देने के बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज उस लेंस द्वारा कॉन्वेक्स लेंस द्वारा फॉर्म होगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी तीव्रता तथा चमक ब्राइटनेस कम हो जाएगी दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ क्वेश्चन नंबर टेन ए ऑब्जेक्ट फाइव सी एम इन लेंथ इज हेल्ड ट्वेंटी फाइव सी एम अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सी एम ड्रॉ द रे डाइग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म एक कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है फाइव सी एम एच सपोज एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच इज गिवन फाइव सी एम एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एबॉफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है चूँकि ऑब्जेक्ट हाइट को लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस लेंस या मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड uh, रखा जाता है मतलब प्ल, प्ल, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है तो इच इज गल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइव सी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इज हेल्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबॉल स्मॉल यू इज माइनस ट्वेंटी फाइव सी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेफ्ट रखा हुआ है लेफ्ट में रखा जाता है इसलिए इसका साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट इज नेगेटिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वैक्स लेंस एफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वैक्स लेंस इज पॉजिटिव टेकन दज पॉजिटिव सो इट इज प्लस टेन सी एंड ड्रॉ द रेडाइग्राम एंड फाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज तो पहले पोजिशन ऑफ द इमेज मालूम कर लेते हैं मतलब इमेज डिस्टेंस भी मालूम कर लेते हैं उसके बाद उसका इमेज का साइज भी मालूम करेंगे एच डैश भी मालूम करेंगे वो भी मालूम करना है एच डैस भी मालूम करना है और नेचर भी एच डैस मालूम हो जाएगा तो नेचर मालूम हो जाएगा और रे डायग्राम तो इसमें क्लियर है कि चूँकि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 25 सेंटीमीटर पर और लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट टू एफ से ज़्यादा है मतलब टू एफ से बियॉन्ड है टू एफ का मतलब है फोकल लेंथ का ट्वाइस डिस्टेंस डबल डिस्टेंस तो टेन सेंटीमीटर फोकल लेंथ है टू एफ होगा ट्वेंटी टू इंटू टेन ट्वेंटी सी एम और वहाँ ट्वेंटी फाइव है तो टू पॉइंट एफ डिस्टेंस पर है मतलब टू एफ तथा इन्फिनिटी पर है तो उस सिचुएशन में अगर आपको ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रे डायग्राम फॉर्म बाई ये कॉन्वैक्स लेंस में देखा था स्केच uh, किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एफ तथा इन्फिटी के भी रखा जाए एंड टू एफ के भी तथा टू एफ या टू एफ तथा इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा जाए तो उस उस ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस के दूसरे साइड में कॉन्वेक्स लेंस के दूसरे साइड में एफ़ एंड टू एफ़ के बीच में बनता है फॉर्म होता है जो कि रियल uh, होता है इन्वर्टेड होता है एंड डिमनिस्ट uh, होता है मतलब साइज इमेज का ऑब्जेक्ट से छोटा होता है दूसरे डायग्राम को हम इसके पहले करेंगे लेकिन पहले हम इमेज डिस्टेंस मालूम करें एंड एंड हाइट ऑफ द इमेज मालूम करें ना वो लेंस फार्मूला यूजिंग लेंस फार्मूला जिसको हमने स्टार्टिंग में ही इसी पार्ट में बतलाया था इस पार्ट एट के यूजिंग लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला वी हैव वन बाई भी माइनस वन बाई यू इजल टू वन बाई एफ हमें भी मालूम करना है दे फोर वन बाई इक्वल्स टू वन बाई यू प्लस वन बाई एफ यू को साइड कर लेते हैं आर एच एस में यू माइनस वन बाई यू है आर एच एस में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और वन बाई भी इक्वल्स टू वन बाई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट इज एट माइनस ट्वेंटी फाइव सी एम इज ट्वेंटी फाइव सी एम लेफ्ट टू द लेंस चूँकि लेंस के ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेफ्ट लेफ्ट में है इसे नेगेटिव है डिस्टेंस माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाई एफ ए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज प्लस टेन सी एम ये प्लस टेन सी एम है अब इसका एल सी एम हो जाएगा hmm. देट इज़ और वन बाई एफ़ इक्वल्स टू वन बाई टेन पॉजिटिव है और सेकेंड ये टर्म वन बाई माइनस ट्वेंटी फाइव नेगेटिव है वन बाई टेन माइनस वन बाई ट्वेंटी फाइव एल सी एम टेन और ट्वेंटी फाइव का फिफ्टी टेन से डिवाइड करेंगे फिफ्टी में फाइव फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी डिवाइड करने पर टू और वन बाई भी इक्वल्स टू ये भी पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है लेंस के अदर साइड में भी इज्कवल टू थ्री बाई फिफ्टी देयर फोर भी इक्वल्स टू 50 by 3, 50 by 3, दैट इज uh, 16 पॉइंट 16.66, पॉइंट सिक्स सिक्स प्लस सिक्सटीन दैट इज मीटर हो जाएगा 16.67, uh, 15.6 cm. और ये भी का प्लस साइन ये बतला रहा है इंडिकेट करता है भी का इमेज डिस्टेंस इज वी इज कल टू तो प्लस सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन सी एम तो uh, इसका प्लस साइन पॉजिटिव साइन ऑफ uh, इमेज डिस्टेंस भी इंडिकेट्स दैट इमेज इमेज फॉम्ड इज इमेज फॉर्मड इज राइट टू द कॉन्वैक्स लेंस डेट इज एट डिस्टेंस सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर फ्राम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस तो ये मालूम हो गया हम हमें इमेज uh, डिस्टेंस अब हमें हाइट भी मालूम कर सकते हैं इमेज uh, का हाइट भी मालूम करना है तो नेचर मालूम हो जाएगा तो मैगनीफिकेशन का फार्मूला है यूजिंग द फॉर्मूला एम इक्वल्स टू भी अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैस हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस दोनों फॉर्मूला होता है मैगनीफिकेशन का दोनों को कम्बाइंड किया है हमने देयर फॉर एच इजक्ल टू डे देयर फॉर एच डैश और वी कैन राइट एच डैश अपॉन एच इजक्ल टू वी अपॉन यू देर फॉर एच डैश इजक्वल टू भी अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाई एच ना ना भी जो इमेज सभी हमने ऑप्टेंट किया फिफ्टी बाई थ्री और सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन यहाँ पर B के जगह फिफ्टी बाई थ्री यूज किया जाता है पुट किया जाता है यू इज माइनस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई एच इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लस फाइव सी एम फाइव सी एम प्लस फाइव और ये ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी कैंसिल हो गया न्यूमिनेटर में फिफ्टी है डिनोमिनेटर में ट्वेंटी फाइव टू हो गया तो फाइव इंटू देट इज फाइव इंटू टू न्यूमिनेटर में अपॉन थ्री माइनस है दैट इज एच टू देयर फोर एच डैश इजकल टू वी गेट एच डैश इजकअल टू माइनस माइनस मीन्स ये इन्वर्टेड है इमेज इन्वर्टेड है माइनस टेन बाई थ्री डैट इज माइनस थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री थ्री सी एम दैट इज हाइट ऑफ द इमेज इज हाइट ऑफ द इमेज इज एच डैश इजक्ल टू माइनस थर्टीन माइनस टेन फाइव इंटू टू टेन अपॉन थ्री माइनस टेन बाई थ्री डैट इज माइनस थ्री पॉइंट थ्री सी एम तो ये साइज इसका इमेज का हाइट डिमिनिश्ड हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है इट इज गिवन फाइव सेंटीमीटर लेकिन ये इमेज हाइट उससे घट गया सो नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाई नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाई द कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंसेज राइट डाउन नेचर ऑफ द इमेज

द साइज ऑफ द इमेज इज डिमनिस्ड टू डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमनिस्ट विच इज अस्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट नाउ वी हैव टू स्केच द रे डाइग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाई द कन्वर्जिंग लेंस अब कन्वर्जिंग लेंस द्वारा कॉन्वेक्स लेंस द्वारा फॉर्म होने वाले रे डाइग्राम को स्केच करना है तो so, सबसे पहले एक स्केच करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर हॉरिजेंटल लाइन एक्सेस डैश सपोज किया जाता है विच इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट यहाँ इसका फोकल फोकस पॉइंट दिया है फोकस दिया है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज टेन सी ये टेन हो गया एफ का जो पोजीशन है ऑप्टिकल लेंस के सेंटर वो से टेन सी एम और इसका डबल डिस्टेंस फोकल लेंस का ट्वाइस टू एफ दैट इज ट्वेंटी सी एम यहाँ टू एफ हो जाएगा ट्वेंटी सी एम और ऑब्जेक्ट को रखा गया है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर तो टू तो एफ से भी ज़्यादा मतलब टू पॉइंट फाइव एफ़ पर है सपोज करते हैं यहाँ टू एफ़ के आगे टू पॉइंट फाइव एफ़ यह पोजिशन है ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट को रखा गया कहाँ टू एफ टू एफ एंड इन्फिनीटी के बीच में तो इमेज फॉर्म होता है हमने पहले भी रे डाइग्राम फॉर्म बाई द कॉन्वेक्स में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को टू एफ़ और इन्फिनिटी के बीच रखा जाता है सपोज किया जाता है ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो अगर ऑब्जेक्ट को टू एफ़ और इन्फिनिटी के बीच में अगर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट को टू एफ और इन्फिटी के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ कितना है फाइव सी है यहाँ जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है एच फाइव सी का है तो यहाँ से लाइट रे ट्रेवल होकर के एक पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट होती है और एंड रिफ्लैक्शन के बाद लेंस के दूसरे साइड में फोकस से होते हुए फोकस से होकर आगे ट्रेवल कर जाती है ये फोकस से होते हुए यह फोकस है यहाँ पॉइंट टू एफ होगा लेंस के दूसरे साइड में कॉन्वेक्शन के दूसरे साइड में भी फोकस पॉइंट का तो मतलब फोकल लेंथ का डिस्टेंस टू एफ हो गया अब एक और लाइट रे ऑब्जेक्ट बी से बी पॉइंट से एक तो पैरेलल लाइट रे हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस पर इंसिडेंट हुई और दूसरी लाइट रे अब इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, से होकर दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, 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 से होकर के पास करेगी जो कि रिफ्लेक्शन के बाद जो कि लेंस से ट्रेवल करने के बाद पास करने के बाद अनडेविएटेड होकर जो कि सेंटर से, से होकर के पास की है तो अनडेविएटेड होकर के ये जाकर के मीट करेगी इस फर्स्ट लाइट रे से जहाँ मीट करेगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर मीट किया और टू एफ के पहले मीट किया तो इसलिए इमेज फॉर्म होगा एफ एंड टू एफ के बीच में और ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया साइज इसका ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का है जो कि हमने ऑप्टेन किया है एच डैस टू थ्री पॉइंट थ्री सी एम तो ये हाइट ए डेस बी डैस थ्री पॉइंट थ्री सी एम और कहाँ फॉर्म हुआ ए फंड टू एफ़ के बीच में और ऑब्जेक्ट के साइज़ फाइव सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ये भी और इससे स्मॉलर साइज का ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसी इमेज है इस प्रकार इमेज फॉर्मेशन हो गया और इमेज का जो पोजीशन है वह ए फंड टू एफ़ के बीच में ये फॉर्म होगा अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा टू एफ़ के बीओन यहाँ पर टू पॉइंट फाइव एफ पर ऑब्जेक्ट है टू तो एफ और इन्फिनिटी के बीच में दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाई बाई द कॉन्वैक्स लेंस जहाँ पर दोनों लाइट रे का इंटरसेक्शन हुआ है वहीं पर इमेज फॉर्म हुआ जहाँ पर दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट किए हैं यहाँ इस पॉइंट पर यहाँ इस पॉइंट पर तो इमेज फॉर्म हो रहा है The image is inverted because h dash is equal to minus 3.3 cm. This is the image formation and position of the image, position of the image is between f and 2 f of the other side of the lens between f and between between f and 2 f

इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस ड्रॉ द डायग्राम। एक कंकेव लेंस है औरतल लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और वह इमेज फॉर्म करता है लेंस से 10 सेंटीमीटर पर लेंस सेट फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इमेज फॉर्म करता है 10 सेंटीमीटर पर इसका मतलब है कि इमेज फॉर्म होता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्राम द लेंस ड्रॉ द रे डाइग्राम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर होगा कितनी दूर होगा ये मालूम करना है अवतल लेंस से कंकेव लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा यह मालूम करना है और रे डाइग्राम भी स्केच करना है तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट वी हैव फाइंड ऑब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें वस्तु की दूरी मालूम करनी है औतल लेंस से कितनी दूर पर कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिससे कि उसका इमेज फॉर्म होता है लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जबकि कंकेब लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो इट इज़ गिवन अ स्मॉल एफ फोकल लेंथ सिंबल ऑफ द फोकल लेंथ स्मॉल एफ विच इज 15 सेंटीमीटर माइनस फिफ्टीन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केब इज नेगेटिव एफ इजल टू माइनस फिफ्टीन सी एंड इमेज टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इमेज डिस्टेंस भी इक्वल्स टू टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस लेंस के उसी साइड में बनता है कॉन्केब लेंस से कॉन्केब लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस के उसी साइड में फॉर्म होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होता है और प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु uh, की ओर ही होती है जिस ओर वस्तु होता है अगर लेफ्ट लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है प्राय uh, लेंस से या मिरर से तो लेफ्ट लेंस के लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट साइड में ही इमेज फॉर्म होगा तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है इमेज डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर बीच इज माइनस टेन बिकॉज लेफ्ट टू द इमेज इज फॉर्म बाई ए कॉन्वे बाई ए कॉन्वैक्स बाई ए कॉन्वैक्स लेंस लेफ्ट टू द लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है हमें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करने के बाद डायग्राम स्केच करेंगे तो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला वी हैव वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ़ और हमें यू मालूम करना है तो यू को राइट uh, साइड right में ले जाते हैं माइनस से टर्म माइनस वन बाई यू प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस वन बाई एफ़ को लेफ्ट साइड में ले आते हैं और वन बाई यू को राइट right साइड में वन बाई यू पॉजिटिव हो जाएगा वन बाई एफ़ जो टर्म है नेगेटिव अब यहाँ पर हम वैल्यू इसका पुट कर दें सभी वैल्यूज़ को और वन बाई यू वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई भी भी जो माइनस टेन माइनस वन बाई एफ एफ इज्कल टू माइनस फिफ्टीन और वन बाई यू इक्वल्स टू माइनस वन बाई टेन और प्लस वन बाई फिफ्टीन टेन और फिफ्टीन का एल सी एम थर्टी इज टेन से डिवाइड करेंगे थर्टी में तो थ्री और माइनस है तो माइनस माइनस थ्री थ्री इंटू वन दैट इज माइनस थ्री और फिफ्टीन से थर्टी में डिवाइड करने पर टू डेट इज टू इंटू वन डैट इज टू दिस इज माइनस और वन बाई यू इक्वल्स टू माइनस वन टू माइनस थ्री वन माइनस वन अप 30, थर्टी देयर is यू to टू माइनस थर्टी सी एम तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया कंकेब uh, लेंस से थर्टी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा लेफ्ट टू द लेंस सेम साइड सेम सेम साइड एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा जिस साइड में uh, ये इमेज फॉर्म होगा उसी साइड में ऑब्जेक्ट भी uh, रहेगा यू इजकल टू माइनस थर्टी सेंटीमीटर दैट इज एट थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वैक्स लेंस लेफ्ट टू द लेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन कनकेव लेंस फॉम द कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया जिस साइड में इमेज फॉर्म हुआ है इमेज भी निगेटिव है और ऑब्जेक्ट भी uh, उसी साइड में अब इसका रे डाइग्राम को हम स्केच अस, करते हैं यहाँ तो हमको ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम हो गया जो कि मालूम करना था माइनस थर्टी सी एन अब यहाँ पर रे डाइग्राम स्केच करते हैं इमेज के फॉर्मेशन का क्योंकि इमेज बन रहा है कहाँ पर टेन सेंटीमीटर पर और लेंस का फोकल लेंथ फिफ्टीन है मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है तो ये सिचुएसन हो गया जब ऑब्जेक्ट को लेंस के कॉन्केब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा जाए एफ के बी तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस है और यहाँ एक स्केच कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी ये फोकस पॉइंट है यहाँ और फोकस पॉइंट के व्यून रखा जाता है इधर इन्फिनिटी है तो तो ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के व्यून माने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाएगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं ए बी है ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस पॉइंट से बियंड है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसे लाइट रेज दो लाइट रेज टू लाइट रेज यहाँ से सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लेंस इसको डाइवर्ज कर देगा और लेंस इसे डाइवर्ज कर देगा और दूसरा ऑप्टिकल दूसरा ला, सेकेंड लाइट रे लेंस के कंकेब लेंस के ऑप्टिकल साइड ऑप्टिकल सेंटर के ऑप्टिकल सेंटर के से होकर दैट इज ओ से होकर सेकेंड लाइट रे ट्रेवल करेगी ऑब्जेक्ट ए बी के बी पॉइंट से प्रोड्यूस होकर के और ये सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी अनडेविएटेड रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से पास कर लेंस से ट्रैवल करने के बाद बिना विचलित हुए ओरिजिनल डायरेक्शन से जो कि सेंटर से होकर के पास कर रही है अनडेविएटेड होकर के ट्रेवल uh, कर जाएगी लाइट रे अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली तो इसलिए इन दोनों लाइट रे को अब क्या करेंगे हम इन दोनों लाइट रे को अब बैक करेंगे इन दोनों लाइट रे को एक रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल ऑब्जेक्ट ए बी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे प्रोड्यूस होकर के इंसिडेंट हुई है लेंस पर यह कॉनकेव लेंस पर ये कॉनकेव लेंस है तो वह कॉनकेव लेंस द्वारा डाइवर्ज हो गई है अपवर्ड डायरेक्शन में तो और ये दूसरी लाइट रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के लेंस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पार कर गई है पास कर गई है बिना डेविएट हुए हुए अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन लेंस से रिफ्क्शन के बाद इन दोनों लाइट रे को बैक किया जाता है इसको भी बैक किया जाए तो बैक करने पर ये बैक किया जाए फर्स्ट लाइट रे जो डाइवर्ज हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के से हवे ये आकर के इधर प्रोड्यूस करने पर फोकस पर मिलेगी लेकिन उसके पहले सेकेंड लाइट को भी हम ये फर्स्ट लाइट रे है और ये सेकेंड लाइट रे सेकेंड रे को भी बैद कर रहे हैं तो दोनों यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट करेंगे दोनों लाइट रे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी तो वहीं पर ये एक स्मॉलर डिमनिस्ट इमेज फॉर्म हुआ ए डैस बी डैस और कहाँ फॉर्म हुआ फोकस पॉइंट तथा ऑप्टिकल कौन लेंस के फोकस पॉइंट तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो कि टेन सेंटीमीटर डिस्टेंस है और जबकि फोकस पॉइंट कितना है फिफ्टीन सेंटीमीटर है इसका डिस्टेंस और ये ओ ए डैस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है टेन सेंटीमीटर पर यह इमेज फॉर्म हो रहा है टेन सेंटीमीटर पर ये भी है माइनस टेन लेंस के लेफ्ट साइड में है इसलिए ये टेन सेंटीमीटर है भी इमेज माइनस टेन सी जबकि फोकस फोकस पॉइंट कितना फोकस फोकल लेंथ कितना है फिफ्टीन सेंटीमीटर ये फिफ्टी सेंटीमीटर है स्मॉल एफिजिकल टू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है ए डस वी डेस जो कि ऑब्जेक्ट ए बी का ये ऑब्जेक्ट ए बी है इसका हाइट एच है और ये हाइट ए डैस वी डेस का एच डेस सपोज कर सकते हैं तो आ, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से स्मॉलर है और इमेज फॉर्म हुआ कहाँ इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोजिशन ऑफ द इमेज पोजिशन ऑफ द इमेज इज पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन नाउ प्रॉब्लम नंबर सिक्सटीन विच इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस टू पॉइंट जीरो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस एक लेंस दिया गया है प्रॉब्लम में जिसका पावर दिया है दिया गया है माइनस टू पॉइंट जीरो डाइक्टर तो उस लेंस का फोकल लेंथ मालूम करना है फाइंड करना है तो हेयर पावर पीज कल टू माइनस टू पॉइंट जीरो डी डी इज द सिंबल ऑफ डायोप्टर विच इज ए एस यूनिट ऑफ पावर माइनस टू डाइक्टर इसको लिखा जा सकता है तो फोकल लेंथ मालूम करना है और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस और कौन सा लेंस है ये वो भी मालूम करना है तो पहले फोकल लेंथ हम मालूम करते हैं ए फिजकल टू फोकल लेंथ इजकल टू आ, वन बाई पी सिंस पी इजकल टू पावर इजकल टू फार्मूला ऑफ पावर इज वन बाई एफ रेसिपोकल ऑफ द फोकल लेंथ लेंस की जो लेंस की शक्ति फोकल लेंथ के व्युत्क्रम के इक्वल होती है रेसिपोकल की इक्वल होती है ए फोकल लेंथ है तो वन बाई एफ ए फिजकल टू वन बाई पी डेट इज वन बाई माइनस टू और ये फोकल लेंथ चूँकि ऐसा यूनिट डाउटर है पावर का इसलिए फोकल लेंथ मीटर में एक्सप्रेस होगा सो माइनस वन बाई टू मीटर डैट इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो और जीरो पॉइंट फाइव मीटर डैट इज माइनस अब इसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड सी एम डैट इज फिफ्टी सी एम जीरो पॉइंट फाइव मीटर डैट इज माइनस फिफ्टी सी एम दिस इज फोकल लेंथ स्मॉल एफ ऑफ द लेंस विच इज विच इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव मीटर और माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर और नीचर टाइप लेंस का टाइप कौन सा टाइप होगा टाइप ऑफ द लेंस कॉन्केब होगा जो कि कॉन्केव लेंस की का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है सो इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्के एंड कॉन्केव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग नेचर होता है लाइट रेज को बेंड कर देता है प्रिंसिपल कॉन्केव लेंस लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के अवे बेंड कर देता है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर तो ये टाइप ऑफ द लेंस टाइप ऑफ द लेंस टाइप ऑफ द लेंस इज कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस विच इज ए डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लाइट रे को लाइट रेज को डाइवर्ज करने वाला प्रिंसिपल एक्सिस से अवे बेंड करने वाला जिसे हिंदी में सारी लेंस कहा जा कहा जाता है टाइप ऑफ द लेंस कन्केब लेंस नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच इज विच इज लास्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो ए डॉक्टर हैच प्रिस्क्राइब्स ए कोेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस वन पॉइंट फाइव डी फाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है किसी पेशेंट को उस लेंस को जिसको जिसका उस करेक्ट लेंस करेक्टिव लेंस करेक्ट माने जिसका पावर कितना है प्लस वन पॉइंट फाइव डी जो उसको यूज करना है तो वह लेंस करेक्टिव लेंस है जिसका पावर वह सही लेंस है जिसका जिसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है पेशेंट को यूज करने के लिए तो उसका पावर दिया हुआ है प्लस वन फाइव पॉइंट फाइव डी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग तो पहले हम इसका फोकल लेंथ मालूम करते हैं और फोकल लेंथ का ही साइन पॉजिटिव और निगेटिव इंडिकेट करेगा कि लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है तो यहाँ पावर ऑफ द लेंस इज गिवन पी कल टू पावर ऑफ द लेंस इज गिवन पी एचकल टू पी एचकल टू प्लस वन पॉइंट फाइव डी सो फोकल लेंथ मालूम करना है तो ये फिजिकल टू वन बाई पी डेट इज वन अपॉन वन पॉइंट फाइव और चूँकि डॉक्टर ऐसा यूनिट है तो इसलिए फोकल लेंथ मीटर में एक्सप्रेस होगा मीटर इक्वल्स टू वन टेन सेवन लाई हो जाएगा ऊपर में एक एक प्लेस पर स्मॉल है डिनिटर में तो टेन अपॉन फिफ्टीन मीटर डैट इज फाइव से कैंसिल करा सकते हैं फाइव इंटू टू टेन फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन टू डेट इज दैट इज टू बाई थ्री प्लस डैट इज प्लस टू बाई थ्री मीटर और डेयर फॉर फोकल लेंथ इज टू प्लस टू बाई थ्री को थ्री से टू में डिवाइड करेंगे तो प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर और इसे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर और चूँकि फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव आता है पॉजिटिव यहाँ आया है प्लस प्लस है क्योंकि पावर भी पॉजिटिव था तो पावर जब पावर या फोकल लेंथ लेंस का पॉजिटिव हो तो इसका मतलब लेंस कॉन्वेक्स होता है और कॉन्वैक्स लेंस किस नेचर का होता है कन्वर्जिंग नेचर का तो लेंस का नेचर क्या होगा यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें नेचर ऑफ द लेंस इज कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर कन्वर्जिंग लेंस है कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कॉन्वैक्स लेंस तो प्रिस्क्राइब लेंस इज इज ए कन्वर्जिंग लेंस हुज पावर इज पावर इज प्लस वन वन पॉइंट फाइव डायोप्टर एंड पोकर लेंथ इज जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर डैट इज प्लस सिक्सटी सिक्स सी एम और इसी सॉल्यूशन के साथ इसी प्रॉब्लम्स इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ जो क्वेश्चन नंबर सेवन सेवेंटीन था और इसके पहले प्रॉब्लम्स टेन एलेवन एंड सिक्सटीन को सॉल्व किया गया इस वीडियो में मेरे द्वारा ये पार्ट uh, एट इस पार्ट एट इस चैप्टर का दैट इज चैप्टर टेन चैप्टर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास टेन ये चैप्टर भी समाप्त होता है इस वीडियो के साथ ही अब हम लोग एक नए चैप्टर में ए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि नए चैप्टर का वीडियो होगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें दूसरों से, से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें थैंक यू वेरी मच